हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं सेल्स, ठीक है। सेक्शन 54 ऑफ पीपीए 1882। चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार ये सेल्स होता क्या है, ठीक है। चलिए, सपोज टू बी ए है, बी है ना। ए के पास प्रॉपर्टी है, बी के पास मनी है। प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है, मान के चलिए इसको 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपीज इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है, ठीक है। अब इसको पैसे की ज़रूरत है और ये पैसे वाला है। अब क्या होगा, ये बोलता है इसको कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, तुम ले लो, मेरे को इसका पैसा दे दो, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया, इन भाई साहब ने इनको पैसा दे दिया 10 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, दो चीज़ें हमको समझ में आ रही है। ये इसका प्रॉपर्टी था, ये इसके पास आ गया, और जो इसके पास पैसा था वो इसके पास आ गया। कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या हो रहा है भाई। सबसे पहला चीज़, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, क्योंकि अभी तो ये मालिक था इसका। ऑनरशिप किसके पास था, ए के पास था, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम ए टू बी। अब इसका मालिक कौन हो गया, बी, क्यों, क्योंकि इसने इसको पैसे दे दिए, ठीक है। और क्या हो रहा है, ए क्या ले रहा है इसके बदले, पैसा, मतलब इसका कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन में क्या है, पैसा, मतलब मनी कंसिडरेशन। ये लैंड ले रहा है और ये कंसिडरेशन में मनी ले रहा है, और ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आएगी, ए और बी होगा क्या भाई, नॉर्मल सा, इसको सेलर बोल सकते हैं क्या, ये बेच रहा है कुछ, ये कुछ खरीद रहा है, इसको परचेजर बोल सकते हैं क्या, करेक्ट। एक टाइम और इसको बोलते हैं भाई साहब, वेंडर और वेंडी, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ तो हो रहा है, ए बी को ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कर रहा है, मतलब ए का प्रॉपर्टी जो कि 10 लाख का था किसके पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है, ठीक है। अब इसका ऑनरशिप यहाँ आ गया, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के थ्रू बी का, इसका एब्सोल्यूट ऑनर हो गया, इसके पास पैसा था, इसके पास पैसा आ गया, मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और मनी कंसिडरेशन। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब यही डेफिनेशन जो है सेल का, सेक्शन 54 में अब जब जाएंगे तो क्या होता है डेफिनेशन सेक्शन 54 में सेल्स का, वो आप देखिएगा। तो लिखा होगा, सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, करेक्ट है। एक आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो गया। किसके चलते भाई, इन एक्सचेंज फॉर क्या, प्राइस, एक्सचेंज फॉर प्राइस, प्राइस इसको बदले में मिला, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ और लिखी हुई है, पेड और प्रॉमिस्ड, या तो ये पूरा पैसा इसको दे दिया 10 लाख का 10 लाख, ठीक है, या प्रॉमिस किया कि भाई दे देंगे, ठीक है, या क्या किया है, पार्ट पेड, 10 लाख के बदला इसको 8 लाख रुपया दे दिया है, तो वो पार्ट पेड हो गया, एक पार्ट दे दिया है, और 2 लाख रुपया अभी भी इसके पास बचा हुआ है, करेक्ट है। मतलब क्या, वो पार्ट प्रॉमिस्ड है कि 2 लाख रुपया और वो दे देगा, यही आप जाके बेयर एक्ट्स में देखेगा। तो यही एग्जैक्ट सेल का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये तो सेल का डेफिनेशन हो गया, ये प्रोसीजर को सेल बोल दिया। अब इसमें क्या क्या था, तो एक सेलर आ गया, एक परचेजर आ गया, हो गया दो चीज़। अब किस चीज़ का कर रहे हैं, तो एक चीज़ जान जाइए, कभी भी हम जब सेक्शन 54 से ऊपर का बात करेंगे टीपीए में, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का बात करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का जब भी बात होगा तो वो चीज़ गवर्न होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। चलिए, अब सेल्स का क्या क्या एसेंशियल्स हो सकता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आएंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड सेल, ठीक है। तो आप पीछे वाला देखें तो क्या क्या उसमें समझ में आया, कि दो पार्टी है, ए और बी, क्या था यहाँ पे, पार्टीज, पहला टर्म पार्टीज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि हम बात कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। ठीक है, उसके बदला क्या हुआ भाई, उसके बाद हम क्या किए, ए प्रॉपर्टी बी को दिया था और बी प्रॉपर्टी के बदले कुछ पैसा लिया था, मतलब देयर इज अ कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन किस फॉर्म में है, मनी के फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, और बात करते हैं कि किस मोड में, क्योंकि लीगली कैसे हम किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए हमको सेल डीड बनाना पड़ेगा, या सिर्फ ऑनर का पोजीशन ऑफ ऑनरशिप दे देंगे तब उसको मिल जाएगा, डिलीवरी ऑफ पोजीशन देंगे तब भी वो ऑनर हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक टर्म और बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंस, ठीक है। मतलब सीधा सा बात है, द पार्टीज में क्या क्या गया भाई साहब, सेलर, जिसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं वेंडर, परचेजर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंडी, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में क्या आना चाहिए, हमेशा हम लोग बात ही कर रहे हैं सेल्स का, सेक्शन 54 से अपवर्ड, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर में होगा, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या था, मनी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन क्या आपके फॉर्म में होगा, प्राइस के फॉर्म में होगा,
ठीक है। और कन्वेंस मतलब क्या, सीधा सा बात है, अगर हम इसको लोकल लैंग्वेज में बोले, अगर समझने वाली भाषा में बोले, तो मोड ऑफ ट्रांसफर, कि क्या क्या इसका मोड होगा ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके सारे एसेंशियल्स को बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें, सारा प्रोबेबिलिटी। तो चलिए द पार्टीज, तो हमने देखा था पहले क्या, दो चीज़ यहाँ से एकदम पहला पहला क्लियर होता है, एक क्या होगा सेलर, दूसरा क्या होगा परचेजर। ठीक है, मतलब सेलर को हम लोग और क्या बोलते हैं, वेंडर। ठीक है, और क्या बोलते हैं परचेजर को, वेंडी। ठीक है, अब दूसरा टर्म पार्टीज हो गया, एक सेलर होगा परचेजर होगा, मतलब क्या, देयर मस्ट बी द पार्टीज, वन सेलर सेकेंड इज परचेजर, मतलब देयर आर टू पार्टीज। ठीक है, इन अ सेल, जिसको क्या बोलते हैं, सेलर को हम लोग वेंडर भी बोलते हैं, परचेजर को वेंडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कॉम्पिटेंसी के, कॉम्पिटेंसी हम लोग कहाँ देख रखे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 11-12 यहाँ पे क्या कॉम्पिटेंसी का बात करता है वो बताई गया है, तो क्या क्या बात करता है, चलिए एक एक करके ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो है, इसको मिटा देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं आराम से। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए उसके पास, मेजर होना चाहिए, मतलब उसका एज 18। साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, मतलब लुनाटिक पीरियड में भी होगा, तब भी क्या लुनाटिक पीरियड है, वो आप 1872 में पढ़ रखे होंगे सेक्शन 12 में। ठीक है, हम यहाँ पे सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मेजर होना चाहिए, साउंड ऑफ माइंड होना चाहिए, और एक टर्म क्या होना चाहिए उसके पास, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए फ्रॉम एनी लॉ, लॉ के थ्रू वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंसी का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि उसका कॉम्पिटेंसी हम लोग कहाँ से समझ गए, किस चीज़ से कवर होगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से उसका कॉम्पिटेंसी हम लोग कवर किया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, एक यहाँ पे मैक्सिम्स है, वो मैक्सिम्स जो है वो बहुत कुछ बोलता है। तो मैगजीन्स क्या है, वो मैगजीन्स है यार दोस्त मेरे, नेमो डेबिट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डेबिट क्वाड नॉन हैबिट। ठीक है, जिसका मतलब सीधा है कि नो वन कैन ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है क्या, व्हाट दे डोंट हैव, इसका मतलब होता है no one can give what they do not have, correct। अब इसमें हम ये क्यों बता रहे हैं पार्टीज में, कहने का मतलब है कि जो सेलर सेल कर रहा है वो उसका होगा ही नहीं, तो वो क्या बेचेगा, सपोज टू बी ए है, बी को कुछ सेल कर रहा है, करेक्ट, लेकिन ए के पास वो प्रॉपर्टी जो ए बेच रहा है वो उसका है ही नहीं, तो फिर बी को क्या देगा, अगर देगा भी तो वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, सीधा सवाल है, वो वैलिड ही नहीं होगा, समझ रहे ना। अब यहाँ से मान के चलो कि ए है सो माइनर है, ठीक है, तो हम लोग को पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि माइनर कॉन्ट्रैक्टर व्हाट, वर्ड एबेनिशियो, माइनर कॉन्ट्रैक्टर वर्ड एबेनिशियो, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट भी है इस पे भाई साहब, वो लैंडमार्क जजमेंट क्या है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, इसी केस लॉ में बोला गया था माइनर कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड एब इनिशियो, मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, सीधा सा बात है। तो वो मैक्सिम्स का कहना क्या था कि जो जिसका ऑनर है वही ना ट्रांसफर करेगा, जो ऑनर ही नहीं है वो किसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सीधा सा बात है, मतलब नो वन कैन गिव, दे डोंट हैव एनीथिंग। ओके, तो यहाँ से हम मतलब कि अगर सेलर कुछ सेल कर रहा है तो उस टाइम पे एट दैट टाइम ही इज एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, देन ओनली ही मे ट्रांसफर हिज ऑनरशिप। ओके, यहाँ से ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ गई कि द पार्टीज में हम क्या क्या लिख सकते हैं। एक केस लॉ है इसमें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम आपको बता ही देते हैं उसमें क्या बोला गया था, वो आप केस लॉ देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, इसका साइटेशन देख लीजिएगा, गूगल पे सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास, जिसमें बोला गया था माइनर कॉन्ट्रैक्ट आर वाइड अप एंड अबिनिशियो। चलिए ठीक है, अब उसके बाद एक केस लॉ है, वो केस लॉ क्या है, रामदास वर्सेस शांताबाई, रामदास वर्सेस सॉरी सीताबाई, इसका साइटेशन है 2009 AIR का है, 2009 सुप्रीम कोर्ट 2735। ठीक है, इस केस में बोला गया था कि अ सेलर हैज नो राइट टू ट्रांसफर ए नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, मतलब वही वाला जो अभी मैंने मैक्सिम्स बताया था कि क्या बोलता है, ए सेलर हैज नो राइट टू ट्रांसफर अ नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी,
जिसके पास राइट नहीं होगा, मतलब जिसका प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो कैसे किसी भी प्रॉपर्टी को भाई ट्रांसफर कर देगा? सीधा सा बात है, नहीं कर पाएगा। इसलिए सीधा बोला गया है कि सेलर हैज नो राइट टू ट्रांसफर ए नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। चलिए अब दूसरा इसमें हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होगा। करेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर पे हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है? सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री ऑफ टीपीए। सेक्शन थ्री क्या बोलता है टीपीए का? कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है? स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। क्यों? स्टैंडिंग टिम्बर है भाई, उसको जलावन के लिए कोई भी काट सकता है। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस भाई, उसको कोई काट सकता है, तो वो हम लोग को इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं मानते हैं। सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा इसका क्या था मेन एसेंशियल्स? तो तीसरा एसेंशियल्स था वो मनी कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसमें बहुत चीज़ें समझने वाली हैं। मनी कंसिडरेशन, सपोज दैट ये प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपये इसका वैल्यू है। ठीक है, ए बी को प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है, और बी रेडी हो रहा है किस अमाउंट पे? 10 लाख के लिए। ठीक है, ये कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या क्या हो सकता है? कंसिडरेशन आपको पता है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सर मतलब क्या? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंसिडरेशन तीनों हो सकता है। आप कैसे? प्रेजेंट में क्या है? 10 लाख, इसका मन करे तो एक के बार में 10 लाख दे दिया। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट कैसे बोल सकते हैं? 10 लाख का प्रॉपर्टी है, 8 लाख रुपये पहले ही एडवांस दे दिया। ठीक है, तो अभी के सिनेरियो में जो प्रेजेंट है उसके लिए तो 8 लाख पास्ट होगा, क्योंकि अभी तो इसको 2 लाख देना बाकी है, और वही 2 लाख क्या हो गया इसका? 2 लाख इसका फ्यूचर हो गया। तो कंसिडरेशन इस टाइप का हो सकता है। अब एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पे कंसिडरेशन का कुछ एक्सेप्शन भी दिया हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, कंसिडरेशन का एक्सेप्शन जब आप सेक्शन 25 में देखेंगे, किसका, किस चीज़ का सेक्शन 25, कि क्या कंसिडरेशन वाइड होगा और कौन सा वैलिड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही समझने की बात है कि क्या होगा और नहीं होगा। करेक्ट है, तो कंसिडरेशन का एक्सेप्शन जब आप देखेंगे सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जाएंगे, तो दो तीन एक्सेप्शन दे रखा है। पहला क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मतलब फंडा क्लियर सा है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बगैर किसी भी लिए, मान के चलो कि एक प्रॉपर्टी है 10 करोड़ का उसका होगा प्रॉपर्टी, लेकिन वो 1 रुपया में ही उसको दे सकता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया 1 रुपया किससे, आप ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन ये वैलिड माना जाएगा। बाकी फिर कोर्ट देखेगा क्या करना नहीं करना, लेकिन कंसिडरेशन के तौर पर जो एक्सेप्शन दिया है लव, नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे, तो 1 रुपया वैलिड होगा। 1 रुपये में भी वो अपना प्रॉपर्टी बेच सकता है, वो उस पर टोटली वो क्यों कर रहा है, इसका नेचर क्या है? नेचर है उसका लव और अफेक्शन वाला। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है? दूसरा क्या है? दूसरा है वॉलंटरी सर्विसेज। और तीसरा है टाइम बार डेब्ट। ये तीन इसका क्या है? एक्सेप्शन है, अगर इसमें फॉल करता होगा तब भी सेल को क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये भी आपका चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद और क्या क्या बचा हुआ है? दो चीज़ें और बची हुई हैं। मनी कंसिडरेशन एज अ प्राइस के रूप में हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब कन्वेंस क्या होता है, कैसे हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे नहीं करेंगे। अब यहीं पे आप कभी ना कभी सुने होंगे कि 100 रुपये का कॉन्सेप्ट क्या है और 99 रुपये का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों रिक्वायर्ड होता है किसी भी 100 रुपये से ऊपर के चीज़ों को रजिस्टर्ड कराना, और 100 रुपये से नीचे का चीज़ है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चौथे और लास्ट एसेंशियल्स की। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोड ऑफ ट्रांसफ़र। सीधा सा बात है, तो हम लोग क्या करेंगे? मोड ऑफ ट्रांसफ़र तो दो मोड में कर सकते हैं। एक क्या करके? डिलीवरी ऑफ पोजीशन देखें, और एक क्या करेंगे? थ्रू टाइटल डीड्स। अब ये कब होगा? ये कब होगा? दिस इज द कॉन्सेप्चुअल, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब इसी टर्म को आपके बेयर एक्ट में बोला गया है कि सेल हाउ मेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिलीवरी ऑफ पोजीशन कब होगा?
अगर कोई भी प्रॉपर्टी का प्राइस वैल्यू 100 रुपीज़ से क्या होगा, लेस होगा। लेस मतलब कम। अगर सपोज दैट कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ से कम होगा, तो क्या करेगा नॉर्मली ए जो है वो बी को डिलीवरी ऑफ पोजिशन देके कर सकता है। लेकिन यही अगर लेस ना होके क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर लेस नहीं है 100 रुपीज़ से, मतलब वो क्या है, एक्सेप्ट लेस देन 100 है, मतलब कि सारा 100 से ऊपर का है, तो वो क्या होगा, थ्रू ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड्स। मतलब उसके लिए आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये सब जगह एप्लीकेबल है क्या? बहुत सारी स्टेट्स का मानना है कि नहीं, अगर वो 100 रुपये से कम का है प्राइस वैल्यू, तो वहाँ पे आप डिलीवरी पोजीशन भी दे देंगे, तब भी सेल्स क्या है, वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लेस देन 100 है, मतलब क्या 100 रुपये से ज़्यादा का वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उसके बनाना पड़ेगा। लेकिन नो, देयर इज़ वन स्टेट, और उस स्टेट का नाम है भाई साहब स्टेट ऑफ यूपी, योगी बाबा। यहाँ पे एट एनी कंडीशन प्रॉपर्टी आइदर लेस देन 100, मोर देन 100, डजंट मीन आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करना ही पड़ेगा। फंडा क्लियर से? ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों कर सकते हैं। मतलब कि अगर 100 रुपये का है फिर भी आप टाइटल डीड्स बनवा सकते हैं, मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डीड करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते, इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू। लेकिन द स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज द ओनली स्टेट जहाँ पे आपको सारा चीज़ कराना पड़ता है। सारा चीज़ मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, आइदर वो लेस देन 100 हो या मोर देन 100 रुपीज़ हो, कोई मतलब नहीं बनता है, आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कराना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, डेफिनेशन ऑफ सेल्स देखा, वैलिड क्या हो सकता है डेफिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, और कंसिडरेशन होना चाहिए प्राइस के रूप में, मनी के रूप में। ठीक है, दो चीज़ें, और फिर सारा हमने एसेंशियल्स देखा कि एसेंशियल्स में क्या क्या देखा। तो एसेंशियल्स में देखा कि पार्टीज क्या होगा, कंपिटेंट होगा, जो जिसका है ही नहीं वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, नेमो डेबिट हैड क्वान हैबिट, सॉरी जो भी हो, लीगल एक्शन देख लेना, वैसे भी बहुत टफ चीज़ है, मैंने लिख रखा है इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर में हमेशा प्रॉपर्टी क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, सेक्शन 3 देख लीजिएगा आराम से, आँख बंद करके जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में बताता होगा, एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, तो डिलीवरी पोजीशन के थ्रू भी सेल वैलिड माना जाएगा या टाइटल डीड रजिस्टर डॉक्यूमेंट करा के। तो चलिए, थैंक यू गाइड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड परचेजर, और डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज क्या होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और बिल्कुल नहीं भूले क्या क्या करना भाई साहब, एक बार अपील तो बनता है अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो, हक से। तो आप यूट्यूब चैनल पर आराम से जाएँ, GSR लॉयर्स चॉइस, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन तो जरूर दबा ले ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, और जल्दी हाजिर होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर परचेजर और डिफरेंस।